तो आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ है रिलेटेड टू ट्रिगर इंसान, बाबा की डावा, लख चौधरी, सम्राट भाई, एलविस यादव और बीबी की वाइंस। तो वीडियो को और लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज सबको पता है कि 2020 स्कैम बाबा की ढाबा के बारे में आवाज़ उठाना सबसे पहले कौन शुरू किया था? लख चौधरी, सम्राट भाई एंड एलविस यादव ने। तो जब अब बाबा के ढाबा वाला टॉपिक इतना बड़ा इशू बन चुका है तो अब वो तीनों लोग उसके बारे में बात करना ही बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हम लोग गलत हैं। अब उनका वीडियो भी आया तो किसी और टॉपिक पे, दिवाली को लेके। जब वो लोग शुरू किए तो एटमोस्ट उसके बारे में अगर बात कर लेनी चाहिए, गलती भी होगी तो पर सॉरी ही बोल देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो लोग तो बोलेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, अपने को क्या, अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना। तो अब हम अपनी आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिगर इंसान एक वीडियो के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उस वीडियो पे बहुत सारी संभावनाएं हैं कॉपी हटाने की, इसलिए अब वो आइडिया ड्रॉप कर चुके हैं। अगली न्यूज़ है भुवन बाम की तरफ से। तो अपने चैनल पे अपडेट दिए कि वो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी तक तो पूरा तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। अगर आपको उनका वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और वो इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं वो 20 मिलियन के बहुत ही नज़दीक। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भी बहुत नज़दीक हूँ पता नहीं किसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बस एक ही तो बटन क्लिक करना है।